ऋतिक रोशन की फैटर मूवी को थिएटर में रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ये मूवी वैसी नहीं है जैसे कि आप लोग सोच रहे हो। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ये मूवी पसंद भी नहीं आए। अब उसका रीजन क्या है और इस मूवी में क्या क्या कमियां थी उसके बारे में आगे वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बिना स्पॉइलर दिए हुए बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में कि आखिर मूवी की स्टोरी है किस पर और क्या आपको इसमें कुछ नया देखने को मिला भी है या फिर नहीं। तो देखो मूवी की स्टोरी जो है ना वो बेस्ड है इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर, जिसमें कुछ आतंकवादी इंडिया पर आते हैं और उस पर अटैक करते हैं। अब इसी चीज का बदला लेने के लिए पाकिस्तान इंडिया पे वापस से हमला करता है, जिसके बदले में इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर एयर अटैक करना पड़ता है। इन शॉर्ट कहूँ तो ये पुलवामा वाली कहानी है जो आपने उड़ी मूवी में देखा था, लेकिन फर्क बस इस मूवी की स्टोरी में इतना ही है कि इस मूवी में एक प्रॉपर एयर अटैक को दिखाया गया है, जो कि आपने आज से पहले किसी और मूवी में उतना नहीं देखा होगा, जिस वजह से इस मूवी में काफी फाइटर प्लेन के सीन है जिनको मूवी में काफी अच्छे से दिखाया गया है। मतलब कुछ कुछ सीन तो ऐसे भी जिनको देख कर आपको एकदम सांस से अटक जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या कर रहा है ये, और ये तो करना रियल में एकदम इम्पॉसिबल है। अब देखो इस तरह के सीन इस मूवी में रहना जरूरी भी था क्योंकि इस तरह से ऑडियंस एंगेज रहती है, नहीं तो कौन ही देखेगा एक बंदे को फाइटर प्लेन में बैठकर फाइट करते हुए। पब्लिक का तो यही डिमांड होता है ना कि जो अपना हीरो है वो हैंड टू हैंड कमबैक करे अपने विलन से, क्योंकि शुरू से हमने जितनी भी फिल्में देखी हैं उसमें कुछ इसी तरह का कहानी होता है। इसीलिए जो चीज ऑडियंस शुरू से देखते आ रही है उससे कुछ अलग देखने को मिल जाए तो हो सकता है कि फिर पब्लिक उसको पसंद नहीं करे। इसके अलावा इस मूवी में भर भर का पैट्रियोटिक सीन है जिसको देखने के बाद आप काफी इमोशनल हो जाओगे, कहीं कहीं पे तो आपके एकदम गूज़बम्प्स खड़े होने लगेंगे, जो कि हम एक देशभक्ति वाले मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ उस मूवी में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसीलिए इंटरवल से जो 15 मिनट पहले का सीन होता है ना भाई वो एकदम बवाल लेवल का होता है, और वो सीन आपको ऐसा फील होगा कि आप कहोगे कि भाई ये क्या हो गया। हो सकता है कि अगर आप इमोशनल बंदे हो तो आपके आंखों से आंसू भी आने लगेगी और वो अपने देश के शान के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के सभी एक्टर्स के बारे में कि उनकी परफॉर्मेंस इस मूवी में आखिर थी कैसी। तो देखो इस पूरे मूवी में तीन ही ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी टॉप नोच लगी। तो पहले तो आते हैं अपने ऋतिक रोशन, जिनकी परफॉर्मेंस तो नो डाउट शुरू से ही अच्छी है और हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, जिस वजह से उनके इस मूवी में परफॉर्मेंस भी एकदम A1 थी। लेकिन उनसे भी ज्यादा जो अच्छी एक्टिंग मुझे लगी वो थी अनिल कपूर की। मतलब भाई लोग उनको देख कर लगता है कि हाँ ये एयरफोर्स में बंदा होगा, क्योंकि जिस लेवल का इस मूवी में उनका एटीट्यूड दिखाया गया है भाई वो एकदम किलर था दिखने में। मुझे इस पूरे मूवी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी का लगा तो वो था अनिल कपूर का। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो किसी और की नहीं बल्कि इस मूवी की मेन विलन की थी। तो पहले तो उस विलन के पास्ट की कहानी को दिखाया गया था ना, उसकी वजह से आप उसकी पेन को समझ सकते हो, लेकिन उस दर्द के साथ वो दूसरे को जो दर्द देना चाहता था उसको देख कर आप कहो कि भाई ये कितने कमीना बंदा है। और ऊपर से जो इस मूवी में उनका लुक था उसको देख कर आप कहो कि भाई ये तो शक्ल से ही दरिद्र लगता है। वैसे आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये वही एक्टर है जिन्होंने 26/11 मूवी में कसाब का कैरेक्टर प्ले किया था, उसके बाद से इस मूवी में भी उनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी बवाल लगी और मैं इस एक्टर की आगे भी मूवी देखना चाहूंगा। इसके अलावा दीपिका पादुकोण की एक्टिंग भी ठीक ठाक थी, उनकी कहानी भी काफी अच्छी थी, लेकिन जिनकी एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई वो थी करण ग्रोवर। मतलब उनको देख ऐसा लग रहा था कि ये बंदा ओवर एक्टिंग कर रहा है और ये फनी बनने का पूरा कोशिश कर रहा है लेकिन इससे कुछ हो नहीं पा रहा है। अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ छोटे निगेटिव पॉइंट के बारे में, जो कि अगर आप लोग इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हो तो आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको ये मूवी देखनी है या फिर नहीं देखनी है। देखो सबसे बड़ी जो निगेटिव पॉइंट थी इस मूवी की वो था इस मूवी का डायलॉग, क्योंकि इस मूवी को जो डायलॉग्स हैं वो काफी चीजी हैं और जिसको सुनने के बाद आप एकदम क्रिंज हो जाओगे। जैसे कि एक जगह पर बोला गया हाउ द जोश के जगह पे हाउ द गोश, इसके अलावा तू देश के लिए मरा था पनीर के लिए मर, और भी काफी क्रिंज डायलॉग है इस मूवी में जिनको मैं याद भी नहीं करना चाहूंगा। भाई इसको देखकर मुझे बड़ा मास मूवी का याद आ गया, उसमें भी कुछ इसी तरह के डायलॉग थे, लेकिन उसको तो समझ में आता है कि उस मूवी का जो राइटिंग था वो पहले ही हो चुका था, लेकिन इस मूवी का जो कि मूवी इतनी बड़ी स्केल पे बनाई गई है इससे मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके अलावा जो दूसरा इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस मूवी में बेफालतू का कॉमेडी करने की कोशिश की गई है। मतलब यार ये मूवी एयर स्ट्राइक पर बनी हुई है, जिस वजह से इस मूवी का जो थीम होता वो सीरियस होना चाहिए था, लेकिन इस मूवी में आपको बार बार बेफालतू का कॉमेडी देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है कि जब स्क्रीन पर आएगा तो आप अपने मोबाइल निकाल कर मोबाइल चलाने लगोगे। तीसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि इस मूवी में बेफालतू के गानों को ऐड किया गया है कहीं पर भी, जिस वजह से स्टोरी का जो मोमेंटम होता है ना वो हिल जाता है और आप स्टोरी से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इसके अलावा जो चीज मुझे इस मूवी का पसंद नहीं आया वो था इस मूवी का स्टोरी। पसंद नहीं आया मैं इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस तरह की मूवी काफी ज्यादा देख ली है और भाई लोग अब हमें कुछ नया चाहिए, इस तरह की मूवी देख देखकर हम पक गए हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अभी हाल ही में काफी ज्यादा एक्शन मूवी आई है, जिस वजह से हम लोगों के दिमाग में जो एक्शन का बार होता है ना वो काफी अप हो गया है। इसीलिए किसी मूवी में अगर एक्शन कम या फिर उस लेवल का होता है तो फिर में उतना मजा नहीं आता है। बाकी हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मूवी सभी को पसंद नहीं आने वाली है, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस मूवी का डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे हॉलीवुड की मूवी टॉप गन से। तो भाई लोग मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये मूवी उस मूवी की कॉपी नहीं है। अब क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है वो एयरफोर्स के ऊपर है और इसमें हमें प्लेन को उड़ते हुए देखना है, तो भाई प्लेन तो एक ही तरह से उड़ेगा ना, इसीलिए बहुत से सीन ऐसे भी हैं इस मूवी में जिसको देखकर आप ये कहोगे कि भाई ये तो टॉप गन से लिया गया है, लेकिन फैक्ट बात यह है कि उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं प्लेन के साथ, इसीलिए एक्शन को तो उसी तरह से दिखाना पड़ेगा ना। बाकी बात करें अगर आपको ये मूवी देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हो तो आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी को आप वन टाइम वॉच तो कर सकते हो। बाकी आप बताओ अगर आपने ये मूवी देख लिया तो आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जाकर एक बार जरूर चेकआउट करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।